कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, या एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको काउंट ना किया जा सकता हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती है, जबकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल था जिसमें हम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं। इसके एग्जांपल जो हमारे पास है वो कौन सी है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ शुगर इन एन ऑरेंज, ऑरेंज में शुगर की क्वांटिटी कितनी है। तो ये आगे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम की एग्जांपल्स देखें, द फर्स्ट एग्जांपल इज द नंबर ऑफ द इनकम इन अ ईयर फॉर ए फैमिली। एक फैमिली में एक फैमिली है, उसके अगर आप एक साल की इनकम को आप देखना चाहें तो वो कॉन्टिन्यूस होगी क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन आएगी, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। द डिस्टेंस स्टूडेंट्स ट्रेवल टू क्लास, अब तालिबे इल्मों ने क्लास में कितना डिस्टेंस कवर किया वो हर स्टूडेंट के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस वे से आता है, तो ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल बनती है। द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर फोन कॉल, इसी तरह से अब फोन कॉल है, मिसाल के तौर पर मुझे कोई कॉल आई तो मैंने वो फोन कॉल जो है वो 2 मिनट में रिसीव की, या कोई हो सकता है आप में से कोई फोन कॉल जो है वो 1.5 यानी तकरीबन 1.5 मिनट में जो है वो कॉल जो है वो रिसीव करता है। इसी तरह से जो है ना, मतलब मुख्तलिफ तरह के आगे पास जो है वेरिएशन आ सकती हैं, या इसके एग्जांपल फिर मैं अगेन वही देता हूँ जो मैंने प्रोबेबिलिटी के लिए रेफरेंस के तौर पे यूज़ की, कि अगर हम कहते हैं मुल्तान में बारिश जो है वो 4 से 5 घंटे तक रही, तो इसका मतलब ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो होता है वो बेसिकली आपके पास एक इंटरवल फॉर्म भी होती है कि इंटरवल की शक्ल में भी हो सकता है, जैसा कि 4 से 5 घंटे तो हो सकता है 4 घंटे हुई, हो सकता है 4.25 घंटे हुई, या 4.5 घंटे हुई, अप टू 100। क्लियर हो गई बात। ये उसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स आप खुद से बना लें, अपने डेली लाइफ से बना लें, अपने क्लासरूम के एटमोसफेयर के लिहाज से भी आप कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की एग्जाम्पल बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल इस वक्त मेरे माइंड में आई है, वो ये है कि हम कहते हैं कि बारिश 2 से 3 घंटे तक रही, तो 2 से 3 घंटे जो है वो एक इंटरवल है, इन अदर वर्ड्स कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो इंटरवल फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर होगी बात। ये तो ये आपके पास है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो इसके जो हमारे पास ग्राफ बनता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स का, जो कि इंटरवल की फॉर्म में होता है, तो इस वजह से इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कर्व शेप में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है एक ग्राफ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस ग्राफ को अगर आप फोकस करें तो ये हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है कि कभी बहुत ज़्यादा कम वैल्यू है इसकी, कभी एवरेज है, और कभी बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाता है, कभी बहुत ज़्यादा जो है बड़ा वो लो पे चला जाता है। तो इस तरह का जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसको हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहते हैं, जिसमें हमारे पास इंटरवल्स मौजूद हैं। क्लियर होगी बात। ये अब ये जो है बेसिकली एक एग्जांपल का मैंने ग्राफ बना के यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, तो आप जस्ट ये याद रख लें कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल जो कि हमारे पास इनफाइनाइट होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती है, और दूसरी बात ये कि इंटरवल्स के फॉर्म में। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देखें कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, उसका ग्राफ यहाँ पे शो किया है मैंने। तो ये जो ग्राफ है ये भी कॉन्टिन्यूस है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार्स जो है पर वो बेसिकली जो शेप बना रहे हैं वो हमारे पास जो है वो ये शेप बन रही है, ये वाली जो शेप है इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की ये शेप है। क्लियर होगी बात। की बेटा जी, आज का लेक्चर यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूँ, मजीद अभी डिस्कशन है, बट आप इन स्लाइड्स को जरा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मीटिंग होगी तो उसमें हम फर्दर जो है वो आगे कॉन्टिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।